फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, मैं हाजिर हूँ यूपी टेट 2018 के नए पेपर के साथ। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें अब नेक्स्ट वीडियो हमारा है 2017 का पर्यावरण का पोर्शन। पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं और ये 30 क्वेश्चन डिफरेंट स्ट्रीम से आते हैं, जैसे कि कुछ हमें पर्यावरण से रिलेटेड पूछ लेंगे, कुछ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कुछ वन्य जीव से पूछ लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से पूछ लेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज होती है, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ये 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस आज की वीडियो में खास बात यह है कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगी जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो अगर आपने एक 30 क्वेश्चन की जगह ऑलमोस्ट हम 90 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में करीब 2 से 3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसको आप या तो नोट करते जाइए या वीडियो को सेव करके 2-3 बार इसको देखिए, ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाए। तो एक वीडियो में ही आपको लगभग 100 क्वेश्चन इस बार कवर हो जाएंगे। आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस नहीं हो रहा है पीडीएफ, मेरे पास कई मेल आ रहे हैं, तो आप बस उस पर क्लिक करके छोड़ दीजिए, एक्सेस मैं कर दूंगी, वो आप पे अपलोड हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे और इसी तरह जल्दी से हम लोग पेपर कवर करें। आई थिंक 2 वीक्स में पेपर कवर हो जाएगा और पेपर की डेट भी बढ़ गई है, आपको ये सब तो पता ही होगा, पेपर की डेट बढ़ गई है। तो 2 वीक में पेपर ख़त्म करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को इस बार क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए क्या क्या है, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ें होती हैं इसमें। तो चलिए हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एगमार्क का संबंध किससे है इनमें से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, कृषि प्रोडक्ट, एगमार्क का यूज़ कृषि प्रोडक्ट में किया जाता है, कृषि खाद्य पदार्थों में, उसमें एगमार्क का यूज़ होता है। जो एगमार्क की स्थापना हुई थी, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है और ये एक पर्यवेक्षक एजेंसी है, मतलब ये जाँच पड़ताल करती है कि एगमार्क का यूज़। तो आप इसमें इस डिटेल से आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर है गुणवत्ता से, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है कि उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक एक प्रदूषण होता है जो जल में होता है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा होता है पश्चिम बंगाल में। इसका आर्सेनिक अगर जल में बढ़ जाता है तो कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा फटने लगती है, कैरोटोइस हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, फेफड़े या मूत्राशय से संबंधित भी कैंसर हो जाता है आर्सेनिक द्वारा। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में जो बनता है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। और पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे हम बिहार कह सकते हैं, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे झारखंड आएगा। ये मैंने सीक्वेंस वाइज भी बता दिया कि कौन से एरिया में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 1968 में, 62 में, 72 में या 75 में। तो भारत सरकार ने अवैध जो हमारे पास शिकार होते हैं उसे रोकने के लिए और पौधों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया था, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के देश के पूरे राज्यों में लागू होता है और जम्मू कश्मीर का अपना एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैंने दी इसमें, इसके ऐसी वीडियो को देखते रहिए और काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी आप लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, स्टेरिलाइजेशन और किण्वन। तो दूध से जब दही जमाते हैं तो उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है और जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं
और ये तो आपको पता ही होगा, लैक्टोबैसिलस इसमें जीवाणु होते हैं जिसके कारण दूध से दही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मौलिक कर्तव्य 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो आई थिंक स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसको मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में डाला गया था, लिया गया था। और ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया था USSR से, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है। पहले USSR कहा जाता था, अब तो रूस कहा जाता है इसे, पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। और इस ये है हमारे संविधान के भाग 4(1) में वर्णित है, और अनुच्छेद 51A इसके अंदर ये आता है, और अनुच्छेद 4(a) में वर्णित है। समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा ऑब्वियस है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा पृथ्वी के उत्तर में हमें दिखाई देता है। इसको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, और ये रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। क्योंकि हमें कभी दिशा की रात में पहचान करनी हो तो हम ध्रुव तारे के बेस पे दिशा पहचान सकते हैं कि हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में और 1985 में? तो हमारे भारत सरकार ने बाघों की जो घटती हुई संख्या को देखते हुए 9 अप्रैल 1973 डेट भी मैं बता देती हूँ, 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसमें शुरू में जो हमने 9 बाघ अभ्यारण्य सिर्फ लिए थे, लेकिन अब इसमें 32 बाघ अभ्यारण्य लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2016-17 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पेपर तब में बना था, तो तब का मैं डाटा आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है, इसे पार्क भी बोलेंगे, और ये उत्तराखंड के पश्चिम हिमालय में स्थित है, पश्चिम हिमालय में उत्तराखंड के स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर रखा है यूनेस्को द्वारा, और इसमें 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो क्वेश्चन हम लोग 5th, 6th, 7th, 8th सब में पढ़ते आए हैं कि कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय अस्थियाँ होती हैं 270, लेकिन बड़े होते होते जो आपस में जुड़ जाती हैं वो अस्थियाँ, और उसके बाद 206 होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, बच्चे के जन्म के समय अस्थियों की संख्या 270 होती है। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है इनमें से? तो ग्रीन पीस मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1971 में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना, और इसमें ये हुई थी कनाडा के वैंकूवर में हुई थी, लेकिन इसकी जो मुख्यालय है, मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम है, में है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है, इनमें से किसका? तो मैं आंसर बता देती हूँ आपको। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी से खनिज लवण लेते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब वो भोजन बनाते हैं अपना, तो जल और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, तो उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और NADP का अपचयन होता है इस क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 12। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीय मान का है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो
एलपीजी की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में होगा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का ये बना होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो प्रदूषण कम होगा, तो इसमें ये एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है ये? स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 13, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो ये एक रचना है, ये रचना है चार्ल्स डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक, ये तीनों थे। और डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास स्वयं करती है, प्रकृति अपने आप ग्रो करती है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी जो कि 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। ये डेट है जिसमें ये वाली पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, मकर रेखा है, कौन सी डिग्री पे मकर रेखा है इसमें? तो ये हमारा मान लो ये आपकी हो गई, ये विषुवत रेखा है आपकी, और इसके बाद ऊपर आपकी होगी कर्क रेखा, नीचे आपकी होगी मकर रेखा। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और फिर रेखा इसमें बताना है हमें क्या है, तो कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगी, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ में होगी, क्योंकि ये हमारा पोर्शन बीच में है, इसके ऊपर जो टर्म होती है वो हमारी नॉर्थ होती है, नीचे इसके साउथ होता है। तो नीचे मकर रेखा नीचे होती है तो साउथ होगी, और ऊपर कर्क रेखा होती है तो ऊपर नॉर्थ होगी, तो 23.5 डिग्री साउथ इसका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्री साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है इनमें से? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक प्रधान न्यायिक संस्था है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, और उन 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगणमन, जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे सबसे पहले कब गाया गया था बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मैंने 19 तो लिख दिया, इसके आगे 2 ब्लैंक है, ये आप फिल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे पहले राष्ट्रगान हमारे भारत में कब गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? जब हमारे संविधान को कब अपनाया गया था संविधान में, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे पहले इंडिया में गाया कब गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? भारत का बहुत ही विख्यात मेला है पुष्कर मेला, आप बताइए कहाँ पर आयोजित होता है। तो अजमेर में है पुष्कर, पुष्कर एक तालाब है और उसके ही आसपास ये मेला आयोजित होता है, अजमेर में पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC और UVD। तो इसमें UV का मीन्स क्या होता है? UV का मीन्स होगा अल्ट्रा वायलेट, यू माने अल्ट्रा, वी माने वायलेट। तो A, B, C इनमें से क्या हानिकारक है ज़्यादा? तो अल्ट्रा वायलेट ए ज़्यादा हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इनमें से बताना है अजैविक घटक कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कवक। कवक एक अजैविक घटक नहीं है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कवक जो होता है एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, और ये बहुत बड़ा समुदाय होता है जीवों का,
जिस जो वनस्पति जगत में इसको वर्गीकृत किया गया है, और ये पर्ण हरित रक्त में क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा और फास्फोरक ये अजैविक घटक है, और कवक को हम जैविक घटक कहेंगे, अजैविक नहीं जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर है? तो गिर गुजरात में अवस्थित है, ग से गिर, ग से गुजरात में, तो इसी से इसको याद रखती हूँ, गिर गुजरात में अवस्थित है, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। इस परियोजना की स्थापना हुई थी 1972 में की गई थी, और ये परियोजना शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पशु यहाँ पर गिर में आते हैं भोजन की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 21, WWF से आशय है, WWF का मतलब वो जो रेसलिंग वाला WWF होता है वो नहीं, यहाँ पे हमारे पर्यावरण का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से रिलेटेड है ये। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1961 में, और ये अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, गंगा गंगोत्री से ही निकलेगी, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बारे में और फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सबको पता होगा, लेकिन कितनी लंबी है ये मैं आपको बता देती हूँ, 25-25 किलोमीटर, ये बहुत इजी है याद रखना, 25-25 किलोमीटर, इतनी लंबी नदी है ये। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में है ये गंगोत्री ग्लेशियर, और इसे भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है। इस नदी में दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, जो कि जल्दी नहीं मिलते हैं कहीं भी। अब जब ये नदी निकलती है उस समय तो ये भगीरथी के नाम से निकलती है, और भगीरथी और अलकनंदा, जैसे एक भगीरथी निकल रही है एक अलकनंदा, जब जहाँ पे ये मिलती हैं हरिद्वार में मिलती हैं, तो इसे यहाँ पे गंगा कहा जाता है। कहाँ पे? हरिद्वार में, हरिद्वार में भगीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, उसे गंगा कहा जाता है। और मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है गंगा नदी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, मेनली इन रीजन्स पे इंडिया में ये नदी बहती है। बहुत सारे फैक्ट्स गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बता दिए, अब गंगा नदी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? हमें ये बताना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? इसमें अवस्थित है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तो ये अवस्थित है एंडीज पर्वत में। एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत स्थित है साउथ अमेरिका में स्थित है, और इक्वाडोर में, एक वो स्टेट का नाम है इक्वाडोर, स्टेट कौन सी है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में एंडीज पर्वत में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है, और ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में जो बहती है सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो असम से हमारे इंडिया में एंटर करती है। कहाँ से? आसाम से हमारे इंडिया में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 26, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। कौन से होते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल के प्रमुख स्तर में पृथ्वी तल के नज़दीक कौन सा है इनमें से? पृथ्वी तल के सबसे नीचे कौन सा होता है? तो सबसे नीचे होता है हमारा शोभ मंडल। क्या होता है? शोभ मंडल, जहाँ पे जैव मंडलीय
परिस्थितियाँ पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा होती है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। किस में होती हैं? शोभ मंडल में। ये हमारी पृथ्वी है तो सबसे नीचे का जो मंडल होता है उसे शोभ मंडल कहते हैं। और इस 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी होती है, मतलब पर 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बढ़ते जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर में। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे होती है 18 से 20 किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि ध्रुवों पर ये कम होता है और विषुवत रेखा पे, मतलब ध्रुव यहाँ पे और विषुवत रेखा यहाँ पे, इसकी ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 और 6। ये आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, ये आपने पॉलिटी की बुक्स में पढ़ा है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम भी मैं बता देती हूँ, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये 5 सदस्य हैं जो कि स्थायी हैं। अगर कोई उसमें अगर कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो इन 5ों जो स्थायी सदस्य उनकी सहमति आवश्यक होती है। अगर इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया कि प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बता देती हूँ, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंतर्गत, इसके दौरान हुई थी। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में कहाँ? अलवर जिले में। कहाँ पर अवस्थित है? अलवर जिले में। हो सकता है पूछ लें कि कौन से जिले में है, तो अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या? बंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये पॉपुलर है बंदर। और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिल चुका है, जो मिला था 1955 में। कब मिला? 1955 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसमें से क्या है? ATP, सूर्य प्रकाश, DNA और RNA। तो ये तो आपका पता ही होगा, DNA और RNA तो पारिस्थितिकी तंत्र से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ATP बताना है या सूर्य प्रकाश? तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे भोजन किससे बनाएंगे? सूर्य के प्रकाश से। और भी जो भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, जो भी पौधों को जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए सूर्य प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है सबको? सूर्य के प्रकाश से। तो चलिए यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे आज के सुपर 30। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। इसी तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को आपसे फ़ायदा हो जाएगा। तो चलती हूँ मैं आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।